परमाणु में कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने आज खुले दरबार में आम जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उन समस्याओं को सुलझाने का तुरंत निर्देश दिया। इस दौरान कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के साथ जो पूर्व में भेदभाव होता रहा है उसको खत्म करने के लिए इस खुले दरबार को आयोजित किया गया है ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर निपटान किया जा सके। इससे पूर्व परमाणु कांग्रेस कमेटी ने कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के पहुंचने पर उनका नारों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष निशा शर्मा, उपाध्यक्ष सोनिया शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने भारी जोश से स्वागत किया। जी बोलिए। आज छठा दिन है जब से हम अलग अलग इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वार घर तक पहुँचवाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे SDM, तहसीलदार, CSO साहब, ये सभी हर विभाग से उपस्थित आए हैं और लोगों की समस्याओं को सुना है। मेरे संग अभी MC के हमारे अध्यक्ष निशा शर्मा जी हैं, बुजुर्ग हमारे रविंदर जी हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, अगला सर्कल हमारे काउंसलर भी हैं और सीनियर हमारे सेक्रेटरी भी हैं CC में और अनेक हमारे साथी जो यहाँ के सोनिया जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, महेश शर्मा जी, सारे विजय शर्मा जी भी। और बेसिक हमारा जो मकसद रहा है वो जन की समस्याओं को सुनने का और आगे के लिए रूपरेखा तैयार करने का था और इसमें जो है अधिकारीगण हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे यहाँ पे आए हुए लोग हैं उनकी समस्याओं को सुना है और जो आने वाला सत्र है उसमें जिस तरह की हमें प्रायोरिटी उसके ऊपर रूपरेखा तैयार की गई और उस रूपरेखा के अनुसार सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने हमसे अनुरोध भी किया है कि आप जाइए और अपनी जनता में जाके उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वहाँ पे ज़मीनी जो हकीकत है ऐसा ना हो कि जो काम हम वादे करते हैं वो तो फाइलों में सिमट के रह जाएँ। आप ज़मीनी तौर पे जाएं, वहाँ पे काम करें और लोगों की समस्या को सुनकर उसका समाधान सरकार तक लाएं और ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये ज़मीन पे काम करने वाली है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी समस्या है, जो भी ग्लिचेस जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है उसको हम ख़त्म करने वाले हैं और उसको पर्सनली हम उसको डील कर रहे हैं और मेरी आशा है कि एक अच्छा इफेक्टिव विधायक तभी हो पाएगा जो समस्या को ज़मीनी स्तर पर समझ पाएगा। इसको मैं खुद भी समझता भी हूँ और उसको आगे जो यहाँ की समस्या है उसका पक्ष रखने में और उसका समाधान रखने में मैं सरकार के सामने अपनी बात करूँगा। आप सब भी यहाँ पे भी आए हमारे प्रेस के सारे परवानों से कुलदीप कृष्ण की रिपोर्ट।